हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात कर रहे हैं आपके मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है जुलाई 2022 से संबंधित है। और जब क्योंकि मासिक राशिफल की चर्चा चली रही है इस कार्यक्रम में, मंथली राशिफल की आपके, तो मैं ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो राशिफल है मेष से लेकर और मीन तक, ये सभी राशिफल जो जिनकी भी हम चर्चा करेंगे, ये सारा लग्न राशि पर आधारित होगा, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये चीज़ हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो सिंह लग्न राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, उनके मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे। और आप मेरे बराबर में जो चार्ट देख रहे हैं, ये सिंह लग्न राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है ये जुलाई 2022 की है, यानी कि जुलाई 2022 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहने वाली है। और जब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी तो इसी के अनुसार अच्छे और बुरे परिणाम जातकों को उनके जीवन में मिलते हैं। तो अब थोड़ा सा हम संक्षिप्त में इसके विषय में भी जान लेते हैं कि इस जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहती है। तो देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ग्रहों से संबंधित जानकारी देना चाहूँगा, ताकि आपको भी थोड़ा पता लगे कि कौन से ग्रहों की स्थिति कैसी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केतु की। जहाँ 7 नंबर लिखा है, यहाँ केतु बैठे हुए हैं। और 7 नंबर का मतलब होता है कि तुला राशि, और तुला राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र केतु के मित्र हैं। और ये जो भाव है, जहाँ 7 लिखा हुआ है, जो घर है, ये थर्ड हाउस है। केतु थर्ड हाउस में अपने मित्र शुक्र के घर में बैठे हैं तुला राशि में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे। अब आते हैं शनि देव पर। शनि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, शनि वहाँ बैठे हैं। ये 7th हाउस है, सप्तम हाउस। और जो 11 नंबर है, 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। तो ये कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि के ही शनिदेव स्वामी हैं। तो शनिदेव अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और ये उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी अभी जो चल रही है वर्तमान में, वो वक्री स्थिति में है ये। लेकिन 12 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, और 12 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ से निकल करके भी ये अपनी ही राशि में जाएंगे, मकर राशि में, जहाँ पर 10 लिखा हुआ है। जहाँ 10 लिखा हुआ है वो मकर राशि है, और वहीं पर ये 12 जुलाई को प्रवेश करेंगे। कैसी चाल में? उल्टी चाल में, यानी वक्री स्थिति में ये, और फिर माह के अंत तक ये मकर राशि में ही बने रहेंगे, यानी के छठे भाव में, 6th हाउस में, जहाँ 10 नंबर है वहाँ 12 जुलाई से ही आ जाएंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति जो हैं, जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो 12 नंबर है, 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं, और गुरु बृहस्पति अपनी राशि में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और ये घर जो है 8th हाउस है, 8th हाउस में बैठे हैं, और ये पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ बैठे रहेंगे। इन्होंने कोई राशि परिवर्तन अपना नहीं करना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी वक्री स्थिति में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड कंडीशन में। ये रहेगी बृहस्पति गुरु की स्थिति इस जुलाई के महीने में। आगे बात करते हैं राहु और मंगल की। आप देख पा रहे होंगे कि राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, जहां एक लिखा हुआ है। एक का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल ग्रह जो हैं अपने ही राशि मेष में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और मार्गी और उदयावस्था में बैठे हुए। वैसे इनकी पोजिशन बहुत अच्छी और मजबूत है मंगल की, लेकिन क्या है कि साथ में इनके परम महाशत्रु राहु भी बैठे हैं वहां पर। और राहु और मंगल का ये योग, चाहे किसी की जातक की कुंडली में हो या फिर ग्रह गोचर में हो, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये किसी भी रूप से शुभ नहीं होता। इसके अशुभ परिणाम ही जातक को जीवन में मिलते हैं। इसकी भी हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा ध्येय है आपको परेशान करने का या चिंतित
करने का या चिंता में डालने का, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी देंगे। अगर आपने वो पूरे महीने किए तो फिर आप इन परेशानियों से भी आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे ये राहु और मंगल पूरे महीने जुलाई के महीने इसी राशि में, मेष राशि में, इसी नवम भाव में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है, ये आप जो देख रहे हैं जहाँ दो लिखा है वहाँ बैठे हैं, और दो नंबर जो होती है वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव होते हैं। और शुक्र यहाँ पर बैठ करके बहुत सुंदर राजयोग बनाया है शुक्र ने, बहुत सुंदर राजयोग। यह 10th हाउस है आपके करियर का हाउस, बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं शुक्र। लेकिन 13 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये यहाँ से निकल जाएंगे, और निकल करके कहाँ जाएंगे, जहाँ 3 लिखा हुआ है, जहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, बुध शुक्र के मित्र हैं, तो ये यहाँ से 13 तारीख को निकलेंगे अपनी राशि से और अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहाँ ये पूरे महीने रहेंगे माह के अंत तक। आगे बात करते हैं बुध और सूर्य की। देखिए बुध जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, ये यहाँ 2 जुलाई को आएंगे, 2 जुलाई को कहाँ से आएंगे, शुक्र के साथ से, लेकिन 5 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे पूर्व में, और अस्त होने के बाद इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगी स्थिति, लेकिन 16 तारीख को ये फिर राशि परिवर्तन करेंगे अपना दोबारा। 2 जुलाई को तो ये यहाँ आएंगे अपने घर मिथुन राशि में, जहाँ 3 लिखा है सूर्य के साथ, लेकिन 16 तारीख को ये यहाँ से भी निकलेंगे राशि परिवर्तन करके, और कहाँ जाएंगे, जहाँ 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब होता है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो ये अपने शत्रु ग्रह चंद्रमा के घर में जाएंगे जहाँ 4 लिखा है 16 जुलाई को, और 16 जुलाई को सूर्यदेव भी वहीं जाएंगे कर्क राशि में। सूर्यदेव अपने मित्र के घर में जाएंगे, चंद्रमा उनके मित्र हैं, तो सूर्य बुध दोनों ही 16 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि से निकल करके कर्क में जाएंगे। तो सूर्यदेव तो माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे, लेकिन बुध जो है 29 जुलाई को पश्चिम में उदय हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन 31 जुलाई को ये यहाँ से भी निकल जाएंगे, यहाँ से भी राशि परिवर्तन करेंगे, और कहाँ जाएंगे, जहाँ 5 लिखा हुआ है, यानी कि लगन भाव में पहले घर में, और ये 5 का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। तो बुध जो है वो 31 जुलाई को बिल्कुल महीने के अंतिम दिन ये आएंगे सिंह राशि में। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है जुलाई 2022 में। इन्हीं के आधार पर आपको आपके जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर, कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा इस जुलाई 2022 में। आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हमने अभी ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा चुके हैं, कि उधर तो शनि जो बैठे हैं अपने घर में बैठे हैं 11 नंबर में, वो बैठे रहेंगे 12 जुलाई तक। ये भी एक बहुत सुंदर राजयोग है शनि के द्वारा, हालांकि वक्री स्थिति में है लेकिन फिर भी राजयोग है। दूसरा शुक्र बैठे हुए हैं 13 जुलाई तक, मैंने कहा यहाँ पर बैठेंगे 10th हाउस में, जहाँ 2 लिखा हुआ है अपनी राशि में, ये भी एक बहुत सुंदर राजयोग है शुक्र के द्वारा। तो भाई 1 जुलाई से 13 जुलाई तक तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताओं का ही दौर रहेगा, सफलताएं ही प्राप्त करेंगे आप, सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ेंगे, और आपका वर्चस्व बना रहेगा, मान सम्मान आपको प्राप्त होता रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में। व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि होगी आपके, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अच्छे अच्छे उन्नति के अवसर भी शुक्र दिलवाएंगे। कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर आपके चारों ओर क्रिएट हो जाएगा कि आप खुद ये महसूस करेंगे कि भाई मैं कुछ अच्छी पोजिशन में आ रहा हूँ या आ चुका हूँ। ये सब शुक्र के कारण होगा या शनि देव के। लेकिन ये स्थिति जो है 13 तक ही रहने वाली है, 13 जुलाई को। 13 जुलाई को क्योंकि शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मिथुन राशि में, तो क्या होगा, फिर ये रहेगा 13 जुलाई से लेकर के माह के अंत तक चीज़ें सामान्य रहेंगी, फिर ना बहुत अच्छा ना बिल्कुल नॉर्मल स्थिति रहेगी, ना बहुत कोई खराब स्थिति रहेगी ना अच्छी रहेगी, मध्यम समय आपका निकलेगा आपके कार्य क्षेत्र में, चीज़ें जो हैं वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी माह के अंत तक। और
आगे बात करते हैं आपकी इनकम के विषय में, आपके सुख सुविधाओं के विषय में। तो देखिए, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच तो आप पूरा आनंद लेंगे, सुख सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, और हो सकता है कोई वाहन आदि भी खरीद लें 13 जुलाई तक। और इनकम का जहाँ तक प्रश्न है, इनकम तो देखिए आपको माह के आरंभ से ही रहेगी, इनकम में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आती। हाँ, थोड़ा कम रहेगी, लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पहुँचेंगे 13 जुलाई को, और 13 जुलाई से माह के अंत तक आपकी इनकम में भी इजाफा हो करके, यानी कि बढ़ोतरी होने की काफ़ी संभावना है 13 जुलाई के बाद से लेकर माह के अंत तक। कहने का भाव यह है कि इनकम को लेकर के, धन को लेकर के किसी कमी का एहसास या अनुभव आपको इस जुलाई 2022 में हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं। स्थिति अच्छी रहेगी। और 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपके जो मित्र हैं, उनका भी आपको सामान्य रूप से सहयोग प्राप्त होता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी। लेकिन 13 जुलाई से लेकर माह के अंत तक मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे आप, बड़े भाई बहनों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है प्रिय साथियों, प्रेम संबंध अगर आपके पहले से चलते आ रहे हैं, बताना चाहेंगे, तो आप इस महीने कुछ ऐसा, तो ग्रहों की स्थिति इशारा नहीं करती है कि उसका कुछ बहुत ज़्यादा आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं, भरपूर उसका आनंद उठाने वाले हैं, इस प्रकार की तो कुछ इंडिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक जरूर है, एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, वो ये कि इस महीने आप अपने जो आपका मित्र है, जो भी आप जिसके भी साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसको आप चाहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आप उसको बहुत समझदारी के साथ हैंडल करेंगे, अच्छी तरीके से उसको हैंडल करना चाहेंगे और आप कर पाएंगे। और 13 जुलाई से और माह के अंत तक आप फिर उन चीजों का थोड़ा आनंद ले पाएंगे, जो चीज आपने 1 तारीख से 16 तारीख तक या 15 तारीख तक जो भी आपने अच्छे तरीके से उनको, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे और उनको इस तरीके से हैंडल करेंगे कि वो आपके ऊपर पूरी तरीके से यकीन करेंगे, आपकी बातों को यकीन करेंगे। और फिर उसके बाद फिर आप काफ़ी रोमांटिक भी मूड में रहेंगे 13 जुलाई के बाद, रोमांस का थोड़ा बहुत आनंद भी आप लेंगे, चाहे बेशक कम्युनिकेशन के ही थ्रू लें, लेकिन उसका आनंद थोड़ा बहुत जरूर लेंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, 1 जुलाई से 12 जुलाई तक के बीच में तो थोड़ा सा मतभेद जरूर रहेंगे पति पत्नी के बीच में, थोड़ी कहा सुनी भी रह सकती है, आप एक दूसरे के विचारों से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, 12 जुलाई के बाद से ये कहा जा सकता है कि संबंध जो है वो नॉर्मल रहेंगे काफ़ी। और दूसरी बात एक और है कि 12 जुलाई से माह के अंत तक आप अपने जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा सचेत आपको रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें। ये स्थिति रहेगी विवाहित महिला पुरुषों की। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, परिवार के सदस्यों के साथ इस महीने के शुरू से ही और माह के अंत तक बहुत अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे, और आप अपनी जिम्मेवारियाँ जो भी बनती हैं परिवार के प्रति, उनको ऑनेस्टली और पूरे गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उनको महसूस करेंगे कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, और एक अच्छा वातावरण रहेगा आपके और आपके परिवार के बीच में, उसको भी आप एंजॉय करेंगे, परिवार के सदस्यों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, ये स्थिति रहेगी। छात्रों के विषय में बता दें कि छात्रों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, छात्रों के लिए मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे 1 जुलाई से लेके और माह के मध्य तक, और माह के मध्य से लेके और माह के अंत तक मध्यम से थोड़ा सा ऊपर परिणामों की प्राप्ति छात्रों को हो पाएगी, यानी कि आप
परिश्रम करते रहिए, परिणाम भी आपको अच्छे, यानी कि शुरू में मध्यम और महामध्य से मध्यम से भी थोड़ा सा एबव रहेंगे रिजल्ट, इसकी संभावना बन रही है। साथियों, संतान की बात कर लेते हैं, संतान को लेकर के कैसा रहेगा। संतान से भी माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी और माह के अंत तक ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले माता पिता को जिससे उनको अपनी संतान की ओर से या संतान के रिजल्ट्स को देख करके किसी प्रकार की निराशा हो, ऐसी दूर तक कोई संभावना नहीं है। हाँ, बहुत बेटर रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे तो देखिए खराब भी नहीं होंगे, मध्यम रिजल्ट्स प्राप्त होते रहेंगे संतान की ओर से माता पिता को इस पूरे महीने। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य 1 जुलाई से 12 जुलाई तक तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है अपने, लेकिन 12 जुलाई के बाद से लेकर माह के अंत तक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो ये तो था आपका राशिफल। अब आपको देने जा रहे हैं हम वो उपाय कि जिनके करने पर, वो सरल और आसान उपाय अगर आपने कर लिए इस पूरे महीने तो आप जो जितनी परेशानियां हमने कहीं बताई भी हैं छोटी मोटी, उनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और करना ये है, करना कुछ नहीं है, और अगर आपने ये उपाय किए तो आपका भाग्य भी, आपका समझ लीजिएगा कि भाग्य भी मजबूत होगा, भाग्य की ओर से भी अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा अगर ये उपाय आप करते हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है कि एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, दुर्गा सूक्तम का पाठ कर सकते हैं आप, दुर्गा चालीसा करें, जो भी आपकी इच्छा हो, हम तो आपको बता रहे हैं कि आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, माँ सरस्वती जी की पूजा करें, जितना भी आप कर सकते हैं। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको चोला चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य मजबूत हो, आपका भाग्य आपको साथ दे, तो सिंदूर का चोला चढ़ाना ना भूलें प्रत्येक मंगलवार। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ बैठ करके हनुमान जी की स्तुति करें, आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, ये काम आप करें बस प्रत्येक मंगलवार। इतना कार्य आपको करना है और कुछ नहीं करना। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों आप तक सीधे पहुँचें, तो आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।